الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا النبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم أيها الإيمان لا يرى अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो और सच्चे लोगों का साथ। इकबाल ने फरमाया था, यह खा कि फलस्तीन के यहूदी का अगर हक हस्पानिया पर हक नहीं क्यों मांगे आपका। मेरे इंतहाई काबिल कदर तलबा और तालिबात असातिज़ा इंतजामिया मुख्तरम जनाब प्रिंसिपल साहब के नाम इंतकाल पेशावर और मेरी बहन मुख्तरम सलीम साहब, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने एक संजीदा अहम और आलमी मौजू पर मुझे कुछ कहने का मौका दिया और मैं ये देखकर बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि बच्चे और बच्चियाँ इंतहाई संजीदगी के साथ इस मौजू के हवाले से कुछ सुनने के लिए यहां के जमा हुए। मेरी गुजारिश ये होगी कि आपको तवज्जो से बात सुने और तवज्जो से इसको समझने की कोशिश करें, इसलिए कि हमें भी शिकवा है, हमारे बारे में दूसरे लोगों को भी हमसे शिकवा है कि हम जज्बाती तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन मसले की तह तक पहुंचने की कोशिश बहुत कम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तासुर को हमने जाहिर करना है। फलस्तीन का मसला ऐसा मसला है, ये एक नस्ल खुशी है, ये बम और बारूद की बारिश है, ये इंसानियत के खिलाफ नंगी जाहिलियत है, ये मुनाफ़त की इंतहा है, ये जुल्म की और बदरियत की आखिरी हद है, ये दुनिया को तबाही के किनारे पहुंचाने की जाहिलाना कोशिश है। जो 6-7 महीनों से खुलेआम जारी है और इसकी बुनियाद पर दुनिया के हुक्मरानों को ताकतवर लोगों के चेहरों से निकाब उतर चुका है। मगरब की सेकुलरिज्म, जिसका माना डिक्शनरियों में भी किया जाता था, एक ऐसा सिस्टम है जिसका ताल्लुक ऐसे नजरियात और अफकार से है जो मजहब से बालाता है। ये मजहबी आजादी की इजाजत भी देती है लेकिन मजहब को इज्तिमाइयत का कदम देने की आवाज़ नहीं। पता चला यही सेकुलरिज्म ये खुदा दुश्मनी बनों की चीज है, ये आजादी की नफी है, ये हुकूक की नफी है। इंसानी हुकूक के विरोध में हम सुनते आ रहे हैं। पता चला ये मार्विन कांड ने जो बात लिखी थी अपनी किताब में, शायद आपने चीजों में पड़ी हो, द फैब्रिक ऑफ द पेपर मिल,
उसमें काम में लगा जितनी भी हुई थी, हकीकत में ह्यूमन वो है जो खुदा की खुदाई के आगे से तस्वीर खान नहीं करता। हमें वैसे बताया जाता था ह्यूमन राइट्स का माना इंसानी हकूक है, इतना मान सुंदर वो उन लोगों को इंसान नहीं समझते जो खुदा की खुदाई पर अधिकार, जो अपने आप को खुदा के घर में समझते। वर्णनी उस गजा में और फलस्तीन में हम देख रहे हैं, अगर किसी मुसलमान मुल्क में ऐसा होता तो किसी मुसलमान को दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ा जाता। ये बातें जहन में रखने की है। मैं इब्तदा में सिर्फ ये बातें आपको बताना चाहता हूं, इस जंग के नतीजे में दुनिया दो कैंपों में तकसीम होने जा रही है। दुनिया में बड़ी बड़ी वाकया बड़े बड़े हवादिश हुए उस जमाने से लेकर जब मुसलमानों की खिलाफत की और चंगेरियों में तातारियों ने मुसलमानों की खिलाफत खत्म कर दी, बादाम की ईंट से ईंट बजा ली, खलीफा को कत्ल किया, कई दिन तक बादाम में इतना खून बहाया गया कि वहां के घोड़ों की समय वो शहीदों के खून में डूब जाती थी। बगदाद के कुतुबखानों को ऐसा बर्बाद किया गया कि दजला का पानी कई महीनों तक सियाही के रंग से इसी तरह सियाह होता था सारा पानी। इतनी किताबें उन्होंने दरियाओं में जलाई, इंसान का कत्लेआम किया, लेकिन पूरी दुनिया पर उसके भी असर ऐसे नहीं पड़े कि पूरी दुनिया दो कैंपों में तकसीम हो जाए। उसके बाद बड़े बड़े वाकयात हुए, जंग अजीब हुई पहली और दूसरी जंग अजीब हुई, लोग उसको आलमी जंग कहते हैं, जंग जहानी कहते हैं, काशी वाले ईरान वाले उसको जंग जहानी कहते हैं, वर्ल्ड वॉर कहते हैं लोग, आलमी जंग कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी दुनिया दो कैंपों में तकसीम नहीं हुई। हमारे करीब अफगानिस्तान में 40 साल अमरीकियों और रूसियों के खिलाफ जंग लड़ी गई और दोनों शिकस्त खा गए, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी दुनिया दो कैंपों में तकसीम नहीं हुई। और न इस जंग के नतीजे में यूरोप के लोग इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हुए। गजा की जंग के इब्तदाई 2-4 हफ्तों के अंदर लोग कुरान पढ़ना शुरू हो गए, मगरिब के लोग इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हो गए, ऐसे लोग इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हो गए जो कहते थे कि इससे पहले हमने इस्लाम के बारे में कुछ पढ़ा तो था लेकिन हमें यकीन नहीं आता कि इस्लाम वाली सुकून और इत्मीनान दिलाने वाला दीन है। गजा के लोगों की इस्तेकामत को देखकर, वहां की माओं बहनों की इस्तेकामत को देखकर, वहां के बच्चों बूढ़ों और जवानों की ईमान के साथ ताल्लुक को देखकर हम समझते हैं कि असल हल इस्लामी इंसानी मसाइल का असल हल तो इस्लाम के पास है, अमली तौर पर इन्होंने साबित कर दिया। मैंने कुछ अफगान दोस्तों से कहा, जो हमारे दोस्त थे जो मुजाहिदीन थे, मैंने उनसे कहा आप 40 साल लड़े लेकिन आपकी जंग के नतीजे में, आपके जिहाद के नतीजे में आपने इस्लाम का पैगाम को नहीं दिया दुनिया को, ये दुनिया आपकी वजह से इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हो जाती। लेकिन फलस्तीन के लोगों ने बिल्कुल खामोश जबान से अपने सबर से, अपने इस्तेकामत से, अपने आज़म से, अपने ईमान से, अपने रब के साथ अपने ताल्लुक से यह साबित कर दिया कि लोग इस्लाम को समझना शुरू हो गए, लोग दीन को समझना शुरू हो गए। यही बात है, ये जिहाद का सबक ये दुनिया को इस्लाम सिखाने के लिए है। और आप जब इस्लामी तारीख को देखेंगे तो दावत और तकरीरों से ज्यादा अमल ने लोगों को इस्लाम की तरफ मुतवज्जे किया। अभी प्रिंसिपल साहब से बात कर रहे थे कि हम हमेशा बात ही करते रहेंगे, दुरुस्त बात है, बिल्कुल बजा फरमाया। मुसलमान सिर्फ गुफ्तार का गाजी है, किरदार के गाजी बनने का अबवा है। मैं समझता हूं आपके सामने ये बता दूं कि ये गजा का नाम आपको पता है, आपने जो लोग पश्तो जानते हैं उनको पता है गाजी, गजा और गाजी, तो गजा सारा गजा ही गजा है।
غزہ کے لوگ غازی کی بات ہے، وہاں پہ بچے کی غازی، وہاں پہ بوڑھے کی غازی، وہاں پہ مرد کی غازی، وہاں پہ عورتیں کی غازی، وہاں پہ لڑنے والے بھی غازی، وہاں پہ سفر کرنے والے بھی غازی، وہاں پہ اپنے تباشر کا گھر سے بچا کچھ سامان جمع کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی زبان ضروری ہے کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دو. مجھے یاد ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک 40-45 سال کا آدمی ایک ڈبے میں چاکلیٹ بھر کر اسی طرح اچھال رہا ہے لوگوں میں، اس طرح شادیوں پر لوگ چیزیں اچھالتے ہیں. لوگوں نے کہا تو بڑا خوش ہے، کیا مسئلہ ہوا؟ کہتے ہیں میرے 8 بچے جنت میں چلے گئے، میں خوش نہ ہوں تو کیا کروں؟ میں لوگوں میں چاکلیٹ تقسیم نہ کروں، مٹھائی تقسیم نہ کروں تو کیا کروں؟ یہ عزم ہوتی ہے، یہ استقامت ہوتی ہے. میری طرح آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے ان کو آنکھوں نے کیسے بھیجا؟ ہر شخص کے ذہن میں بات آتی ہے. ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ کاش یہ کعبہ ہمارے پیشاب میں ہوتا تو ہم دکھاتے لوگوں کو یہ کعبہ کی نظر کیا ہوتی ہے. اب پتہ چلا سارے لوگوں کو جو سمجھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں پیغمبر کیوں بھیجا. یہ صحابہ کی آپ کا دکھانے والے 1400 سال بعد ایسے لوگ ہیں جو غزہ کے مسلمان ہیں، تو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ اور یہ وہی تعداد آیات تعداد ہوتی جا رہی ہے، وہی یاد تعداد ہوتی جا رہی ہے. ان کے ایک ایک بات سے اسلام پر عقیدہ پختہ ہوتا جاتا ہے. لیکن اس کے کچھ مذاہب بھی ہیں، اس کے کچھ نتائج بھی ہیں، وہ نتائج کو بھی دیکھنا چاہیے. عام طور پر کہا جاتا ہے مسلمان ہمارے ہاں بھی اس کا ایک تصور ہے، یہودیوں کے ہاں بھی اس کا ایک تصور ہے. یہودی ایک تصور رکھتے ہیں عالمی جنگ کا، اس کو کہتے ہیں المجدون اور مجدون. ہر مجدون، مجدون ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے. وہ پہاڑی سلسلہ یہ سمجھے کہ یہ غزہ ہے اور یہ سامنے مصر ہے اور یہ صحرا سینا ہے، یہ درمیان میں اسرائیل کا علاقہ ہے، وہ درمیان میں مسجد اقصا ہے، اس کے آگے ایک سلسلہ ہے پہاڑی کا تقریباً مسجد اقصا سے تقریباً 100-120 کلو میٹر آگے، اس کو کہتے ہیں اور میٹرو یا گھر مجدو. یہودیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہیں پہ ایک آخری جنگ ہوگی. ہمارے یہاں اسلامی روایات ہے اور حدیث ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے ایک عالمی جنگ ہوگی امام مہدی کے قیادت میں، اس کے لیے یورپ سے تقریباً 10 لاکھ کی فوجیں آئیں گی اور بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ، اس میں بہت بڑی خون ریزی ہوگی. اور وہ جنگ لڑی جائے گی ایسے علاقے میں جس کے دو نام حدیث میں آتے ہیں. ایک نام آتا ہے، وہ آتا ہے الاعمى، ایک نام آتا ہے دابق. یہ دامق اور الاعمى جو ہے یہ دمشق شام کا اقتدار علاقہ ہے، دمشق اس کے قریب علاقے ہیں. یہ دو باتیں میں صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ دجال آنے سے پہلے گریٹر اسرائیل بنے گی اور اس پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی اور پھر پوری دنیا پر دجالی نظام قائم ہو جائے گا. اور یہ بات ہو گیا کہ حدیث کے اندر آئی ہے، یہ حدیث کی ادھوری سمجھ ہے. حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل جو ان کا منصوبہ ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل اور تمہارا علاقہ نیل سے لے کر فرات تک ہے. نیل سے لے کر فرات تک کا مطلب یہ ہے کہ مصر، شام، اردن، اسرائیل فلسطین کا پورا علاقہ، اردن کا پورا علاقہ، شام کا پورا علاقہ، عراق کا پورا علاقہ، سعودی عرب کا وہ علاقہ جس میں مدینہ منورہ واقع ہے، ترکی کا وہ علاقہ جس میں پور واقع ہے، ترکی کا تقریباً شمالی علاقہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وہ علاقہ، حاضر تک وغیرہ وہ علاقے، یہ پورے علاقے اسرائیل بابا کے دخل
डंडी की चोट पर कहता है, बच्चों को पढ़ाता है कि ये पूरे इलाके हमारे हैं। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने दूसरे मुल्क के बारे में अपने माता पिता में लिखा हो कि हमारे हम इसको कब्जा कर रहे हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए इसराइल की अभी भी सरहदें मुतय्यन नहीं है। जब ऐलान-ए- बालफूर के बाद ये बात तय हो गई कि यहूदियों को एक इलाका देना है, असल में मैं चाहता हूं कि मैं आपको पश्चिमंदर में ले जाऊं। इस वक्त जिस सूरत हाल है यही आपको बता दूं, आपको पश्चिमंदर में ले जाऊं। यहूदी जब फलस्तीन आए थे तो फलस्तीन इस तरह खाली जमीन नहीं थी कि उन्होंने आकर वहां पर कब्जा जमा। असल मसला क्या था? असल मसला ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले और 135 में रूमियों ने बाकायदा आर्डर जारी कर दिया कि
کے مطابق جب فلسطین میں مرد شماری کی گئی 1922 میں تو وہاں مسلمانوں کی تعداد 8 لاکھ تھی, یہودیوں کی تعداد 80 ہزار سے کچھ اوپر تھی اور عیسائیوں کی تعداد 70 ہزار سے کچھ اوپر تھی. لیکن آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ جنگ عظیم کے لیے برطانیہ کے پاس جب سرمایہ نہیں تھا تو اس نے 2 سازشیں شروع کر دی. ایک سازش ہی شروع کر دی اس زمانے میں خلافت عثمانیہ تھی, تو عثمانیہ کی خلافت میں شام, مصر, سعودی, خلیجی ممالک کہلاتے ہیں, عیسیٰ کہلاتے ہیں, ہمارے عرب شریف کے علاوہ پوری مسلم دنیا جو تھی وہ خلافت عثمانیہ کے تحت تھی. برطانیہ نے سازش کے ذریعے خلافت عثمانیہ کو جنگ عظیم میں نکیل کیا اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس نے عربوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہاری خلافت جو ہے مسلمانوں کا جو حق ہے وہ عربوں کا حق ہے, عربوں کے اوپر غیر عربی راجم ہی ہیں وہ کسی حکومت کر دیں. تو خلافت عثمانیہ کے خلاف ان کو اٹھایا عربوں, اور عربوں میں جو ان کے ایجنٹ تھے جس طرح رابسا اور ربیا اور شہید مکہ اور اس طرح کے دوسرے جو لوگ تھے ان کو یقین دلایا کہ آپ عثمانیوں سے ان کی خلافت سے اپنے آپ کو آزاد کر دے تو ہم آپ کو یہ خلیج کی پوری زمین آپ میں تقسیم کر دیں گے, اور یقیناً یہیں پہ وہی کے جو لوگ آپ حکمران ہیں یہ ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے عثمانی خلافت کے ختم کرنے میں برطانیہ کا ساتھ دیا تھا. آپ حیران ہو جائیں گے, آپ تاریخ میں پڑھ لیں کہ فلسطین پر جب برطانیہ کا قبضہ ہوا تو جن فوجیوں نے وہیں پہ حملہ کیا اور عثمانیوں سے فلسطین کو لے لیا, قبضے میں لے لیا, وہ فوجی ہمارے بر صغیر کے مسلمان فوجی تھے. یعنی انہوں نے ایسی سازش کی کہ اپنی فوج میں جو مسلمان بھرتی تھی مسلمانوں کو عثمانیوں کے ساتھ کے خلاف لڑایا, جس طرح ہمارے یہاں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ مارنے والا بھی کہتا ہے اللہ اکبر اور جو مر رہا ہے قتل ہو رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ ہوتا ہے. یہ سازش بہت پرانی ہے اور اس سازش سے انہوں نے بہت بڑا کام لیا ہے, ایک پرانا تجربہ ہے پہلی بات. دوسری بات تھی کہ انہوں نے جس طرح عربوں سے وعدہ کیا تھا برطانیہ والوں نے, عربوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ خلیجی ممالک آپ کو دیں گے اگر آپ عثمانی خلافت سے اپنے آپ کو آزاد کر دیں گے. دوسری طرف ان کو پیشے کی ضرورت تھی اور پیشے کے لیے انہوں نے یہودیوں سے بات کی. یہودیوں سے بات کی, آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ اگر ہجرت کی کتاب پڑھنے سٹانک سے نہ پڑھا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو جتنی بھی سازشیں اس کے بعد ہوتی ہے یہ لوگ شیخ خاندان اور یہ اس طرح کی یہودیوں صحیح کی سہیوں کی ظاہر اس میں نا 1897 میں یہ تحریک بنی ہے. یہ ریچرڈ ہافٹ جو تھا اس نے یہ تحریک بنائی, اور اس نے یہ تحریک بنانے کے لیے زائنسٹ موومنٹ ایک مطالعہ کرا رہا ہے. زائنسٹ یہ زائنسٹ حقیقت میں یہودیوں میں یہ ایسی قوم ہے جس طرح آپ اس کو تشدد پسند کے سکتے ہیں, لوگ سمجھیں ایسے لوگ ہیں جن کے عام یہودی کی مخالف ہے. عام یہودی کہتے ہیں ہمارے مذہبی کتابوں میں اسلام, ہمارے مذہبی کی کتابوں میں وہ حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مذہبی کتابوں میں حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے. دجال آئے گا وہ اس کو مسیحا کہتے ہیں, مسیحا آئے گا تو عالمی دنیا میں ان کی حکومت قائم کر لے گا, وہ دوسری بات ہے. لیکن زائنسٹ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم مسیحا کے لیے راستہ ہموار کریں گے, اور مسیحا تب آئے گا جب ہم ان کے لیے پورے کا پورا ہے کہ سلیمان مسجد پوری دنیا کے مالیاتی ادارے برطانیہ اور یہودیوں کے درمیان جو معاملہ ہوا کہ آپ ہمیں پیسے دیں گے تاکہ ہم جنگ لڑیں, اور اس جنگ لڑنے کے بعد جب فلسطین پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا تو ہم آپ کو وہاں پہ ایک قومی ریاست کا ایک قومی وطن بنانے کے لیے راستہ ہموار کر دیں گے. تو روشیٹ خاندان والوں نے اپنی جدونی حکومتی اور برطانیہ کی کھل کر مدد کی. برطانیہ نے دونوں کام کیے, مسلمانوں میں سے جو مردات تھے ان کو براہ راست پوری اسکین بنا کر گئی خلیجی ممالک کے اوپر بھی بٹھا دیا, اور یہودیوں کو وہاں میں فلسطین میں لا کر بسانے کے لیے تجوری حکومتی یہودیوں
के पास जो पेशा था, बकालिया के पास जो पेशा था, उस जमाने में अकाली कायदा की बजाय डोमिनेशन की, उसकी छतरी के तले पैसे दे देकर इन्होंने लोगों की जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। हमारे मन में आ जाता है कि आरबों ने खुद अपनी जमीनें फरोख कर दी। मुझे याद पड़ता है अभी अभी इसी रमजान से पहले की बात है, फलस्तीन में मस्जिद अक्सा के करीब एक गली में एक छोटी सी दुकान थी, उस दुकान के अंदर दो चार चादरें लटकी हुई है, उसका दुकानदार बदिया बताते हुए इसी तरह बैठा है। यहूदी कंपनी के लोग आते हैं, कहते हैं हम आपको $1.5 मिलियन देंगे कि दुकान हमें बेच दो, इससे तुम बड़ी मार्जिन में खरीद सकते हो। वो कहता है मैं फलस्तीन को बेचना नहीं, मैं बस लियासा को बेचना नहीं चाहता। वो कहते हैं चार पांच चादरों से क्या बनेगा, तुम अपने बच्चों को खिला दो क्या? वो कहते हैं मैं खुद भूखा मर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, लेकिन मैं अपना नाम लोगों में नहीं लिखवाना चाहता जिन्होंने फलस्तीन का सौदा किया है। असल मसला ये नहीं था, असल मसला ये था कि बरतानिया ने वहीं के ऐसे कमिश्नर मुकर्रर किए 1957 के बाद अफगानिस्तान का फाउंडेशन की छतरी के नीचे जो खालिश यहूदी थे, उन्होंने मुसलमानों को मार मार कर, आपको इलम होना चाहिए कि मुसलमान के पास सब्जी काटने की कोई चाकू में निकल आता ना तो उसकी सजा भी फांसी, उसको बेदखल किया जाता था। हम हमेशा ऐसा हुआ है, पैसों के जरिए उन्होंने जमीनें खरीदी हैं, लेकिन जबरदस्ती खरीदी है, इतने टिक्स लगा के जमीन जमीनों पर, वो टिक्स देना किसी है बस की बात ना होती। और बेचारे लोग समझते थे कि हमको मुंह ना मुंह का रवाना पीछे जा रहा है, टिक्स कहां से दे, तो हुकूमत कहती थी जमीन हमारे हवाले कर और जोर जबरदस्ती कर दी। आपको पता है 1948 में जब इसराइल का ऐलान नहीं हुआ था, 19 अप्रैल 1948 की बात है, फलस्तीन के अंदर हम इसराइल के अंदर है वो इलाका जिसका नाम है देर यासीन, आप गूगल में देखे आपको देर यासीन का पता चल जाए। देर यासीन में इन यहूदियों ने इसराइल के क़याम से पहले इनके बदमाश होने इनके अच्छे तकसीम किए हुए थे, अखबारों में लिखा बेटा बरतानिया वाले यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशन वाले इनके अच्छे तकसीम करते थे कि भगा रहे आपों को और इनकी जमीनें तब जमे ले लो। तो एक इलाका देर यासीन का था जिनके लोग अपनी जमीनें नहीं बेचते थे और मुजाहन करते थे, कुल्हाड़ों से और दरातियों से और इस तरह के लकड़ियों से इसी तरह का काम लेते थे। इन यहूदियों ने उनके सारे मर्दों को शहीद कर दिया और फिर मैं अपनी बहनों और बच्चों के सामने एक एक दिन में मुझे शर्म आती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों को नंगा करके उन्होंने जुलूस निकलवाया इधर उधर रास्ते के दूर तरफ, यहूदी बदमाश है हुकूमत के कार्य थे, ये इसराइल के इतिहास में पहले की बात है, और मुसलमान खवातीन को नंगा करके जुलूस निकलवाया और साफ स्पीकर पर ऐलान करते थे कि जो यहूदियों को अपनी जमीनें अपनी मर्जी से नहीं बेच रहे उनका ही इंतजाम हो। और आपको सागरा और शकीला मुझे भेजा देंगे तो बच्चा था स्कूल जाने वाला बच्चा, उस वक्त भी मुझे सागरा और शकीला की बात है, मैं नहीं जानता था सागरा और शकीला क्या है, मैं कितना जानता था कि सागरा और शकीला वो गेम है मुसलमानों के और यहूदी ने उनके ऊपर बमबारी की। जब लोग इसी तरह मजबूर हुए तो गधे दिया दिया बेशुमार लोग उधर चले गए इधर चले गए जहां चले गए, जो इधर जाने से नहीं गए उन्होंने महफूज नाम में कैंप बनाने शुरू किए, तो कैंपों में जब जमा होते थे तो फिर वहां पर मशी होती थी, वहां पर बाहर बमबारी हुई, वहां पर जब भी जाते थे तो यहूदी फौजी वहां पर जाते, पुलिस वहां पर जाते, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते। ये बात जो बड़े एहतराम के साथ मैं ये बात दर्ज करता हूं कि हमारे यहां ये बात मशहूर है कि मुसलमानों ने भी किया 7 अक्टूबर के दिन, इन्होंने खाम खाई को सेवा और इनकी औरतें भी और इनकी आबादियां भी बर्बाद हो गई, इनकी जमीनें भी बर्बाद हो गई। मैं कहता हूं मैं अलहमदुल्लाह मैं झूठी मुंह से इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं अलहमदुल्लाह इनके साथ फिक्र वाले हैं। मैं तो ये आपको कह दूं कि वो कौन है वो शख्स, मैं आज बता दूं कि फलस्तीन वाले हमास वाले जंग बंद कर देंगे, लेकिन मुझे ये जमानत कौन देगा? आम मुसलमानों ने, हुक्मरानों ने, मगरब वाले, किसी मुसलमानों के हुक्मरान हमें ये जमानत देंगे कि फिर वो कुछ नहीं होगा जो इससे 7 अक्टूबर से पहले हुआ था।
दूध ज्यादा हो गया, सब सामान से ज्यादा हो गया। मसूरी नमाज के लिए पहले पवन जो है 40 साल से कम उम्र वाले लोग नहीं जा सकते, फिर कहते 65 साल से कम उम्र वाले नहीं जा सकते, फिर कहते 75 साल से कम उम्र वाले वहां नमाज नहीं पढ़ सकते। आपको मालूम होना चाहिए ये मसूरी आसान का मसला है और ये उनके अकेले का, वो कहते हमारे अकेले का मसला है। अमरीकी लोग उड़ान कर लोग
किया हो कि हमारा सुनो तुम तो उधर सुरंगों में बैठे हो, हमारा बेटा तो तुमने कर दिया, हमारे बच्चे तो तुम्हारी वजह से शहीद हुए, वो तो शुक्र करते हैं अल्लाह ताला। वो कहते हैं जब भी पूरी इस तरह की हालत तुम बनाती है वो अल्हम्दुलिल्लाह, असल में उनकी तबीयत हुई है इस्लाम के आगोश में, कुरान के आगोश में उनकी तबीयत हुई है। मैं आखिरी बात पर बताता हूँ, ज्यादा लंबी बात नहीं करता, एक तरफ से पूरी बात होगी, उनकी आप तला करेंगे देखेंगे स्नान से और पूरे केस को स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जरूरत इस बात की है कि जिस तरह लोगों की चेहरों से निकाह उतर रहे हैं, ये मुसलमान फौज है, ये मुसलमान हुक्मरान, ये मुसलमानों की इतनी जमीने, ये मुसलमानों के इतने वसायल, ये किस मकसद के लिए है, ये कब काम आएंगे, जीते होंगे अपनी मजबूरियां होंगी। मैं ये नहीं कहता कि वो कुछ भी नहीं करते होंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि वो कुछ करना चाहिए वो कभी ना करें, जो करने की जरूरत है वो नहीं करो। इस तरह खुल करने वाले हैं, जुनूबी अफ्रीका वाले खुल करा रहे, स्पेन के कुछ लोग खुल करा रहे, स्कॉटलैंड के लोग कुछ खुल करा रहे, हमारे मुसलमान खुल कर क्यों नहीं आए। मगर में आपको पता है अमरीका में कोलम्बिया यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स दुनिया में, लेकिन हमारे मुसलमान की जामिया खामोश, हमारे मुसलमान की यूनिवर्सिटियां खामोश, अरबों की यूनिवर्सिटियां खामोश, अरबों के कॉलेज और तलबा खामोश, ये कौन सा इंसाफ, ये कौन सी बात, इस बात किस बात की गवाही करता है, इस बात की गवाही करता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम के तो मुसलमान है लेकिन वो शायद दिल से मुसलमान नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस वजह से काफिर हैं उनको इस्लाम की दावत नहीं पहुंची है, अब ये दो कैंप बन रहे हैं, अब मगरिब से कुछ लोग आएंगे और मगरिब से वहां के इमाम। मैं अपनी बात की तरफ आ रहा हूं, बेतुल मक़दस सही सत्र सत्र हिजरत से पहले बेतुल मक़दस का सफर किया, आपको पता है सुभान अल्लाह अली असरा बे आप भी पहले मिन अल मस्जिद अल हराम इल मस्जिद अल अक्सा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले मस्जिद अल अक्सा का सफर करके अल्लाह ताला कराते हैं, इसका क्या मतलब है, मतलब यह है कि आपको इमामत तब्दील हो जाएगी, इससे पहले अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की इमामत दी थी, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इमामत दी जा रही है। और ये बात नोट कर लेते हैं कि पूरी इस्लामी तारीख में बैतुल मक़दस कभी भी किसी तरह से नहीं बना कि पूरी दुनिया के दिल उसके साथ रहते रहे, और ये पहले से ही बेहतरीन आयात के मफहूम में ये बात पहले से शामिल थी कि जब मुसलमानों पर ऐसा वक्त आएगा कि फलस्तीन ही मुसलमानों के लिए मरकज की हैसियत इख्तियार कर रहा है, तो इट मींस कि फिर दुनिया की इमामत तब्दील हो जाएगी। अब दुनिया की इमामत तब्दील होने वाली, उस इमामत की तब्दीली का मतलब क्या है, बहुत कुछ हो चुका, बहुत कुछ हो चुका, अब इस्लाम का दौर आने वाला है। इस्लाम के दौर आने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए, एक बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लोग पहले से मुसलमान थे और इस्लामी क़यादत और लीडरशिप का दावा करते थे वो कितने सच्चे हैं इस बात में। मुझे फिक्र होता है आमतौर पर लोग जब स्टूडेंट्स की बात होती है तो स्कूलों कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की बात सामने आती है, मैं आज पहली दफा एक ऐसी बात कह रहा हूँ जो खुद मैं दुनिया के तौर पर मदरसे का स्टूडेंट हूँ और मैं सबसे पहले ज्यादा गिला उन्हीं से करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब रमजान का महीना होता है, जब रजब का महीना होता है तो मस्जिदों में कारखानों में बाजारों के पास रशीद को लेने कर इतनी भीड़ जमा होती है कि आदमी सोचता है कि पाकिस्तान के तो गली गली मंद में मदरसा है, घर इतने नहीं है जितने मदरसे हैं। भाई इन मदरसों को, इन तालिबे इल्मों को, इनके उस्तादों को, इनके उलमा को, फकीरों को, तो ये कौन पार्टी है, और पूरी दुनिया के मुसलमानों पर एक हद ऐसा आ गया है और मदारिस के तलबा अपने मदरसों में और अपने असबाब में और अपने पढ़ने पढ़ाने में और पढ़ाने याद करने में मुड़े हुए हैं। भाई क्या वक्त आएगा, मैं मदारिस के तलबा को आपकी वसात से कहता हूं कि मदारिस के तलबा बाहर निकल आए, पाकिस्तान के अंदर अगर मदारिस के तलबा निकल आए, और ये निकल आना उनके लिए जरूरी चीज है, कौन का उनके
इकबाल ने कहा था शरद को गुलामी से आजाद कर, जवान को पीरों में उस्ताद कर। मैं जवान को कहता हूं, जवान तुम्हारा वक्त आ गया, नहीं निकलता तो तुम निकलो। एक तहरीक होनी चाहिए ऐसी पहल, और फिर तुम बताओ क्योंकि तो ये हिजाब में लोग छोड़ता है, कभी माँ पिटाई होती है, कभी खराबियां पैदा होती है। तुम तो मुसलमान, तुम तो आए हो, तुम लोगों को बता दे हिजाब का इस्लामी तरीका क्या है, बताओ अपने आप से। तुम हिजाब भी कर लो, एक मुस्बत बात भी कौन को बता दो, कौन को मुतहिद भी कर लो, कौन को रास्ता भी निकाल लो, और ये भी बता दो कि अपने अल्लाह को दबा दिए बगैर, लाइफ ऑर्डर का मसला पैदा किए बगैर हिजाब कैसे होता है, अपने मकसद अपनी बात कैसे लोगों को समझाई जाती है। मैं समझता हूं कि ये वो बुनियादी बातें हैं जिसकी जरूरत है इस वक्त। और आखिर में आप ये भी रखें, मैं नेता का रखें, ये मसला इसी तरह चलता रहे। मुजाहिदीन का पूरा बहुत बुलंद है, मुजाहिदीन में जो सियासी दफ्तर वाले लोग हैं ना, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, कतर में भी है, उनको हमास के मुजाहिदीन ने गजा से पैगाम दिया है, भाई आपको क्या तकलीफ है, हम तो लड़ने मारने पर हमारे मुजाहिदीन तो कहते हैं शाम असल के। एक बात मैं अजीब बात बता दू, 7 अक्टूबर को जो आपने देखा किस अंदाज से हमास के लोगों ने इसराइल पर हमला किया, वो सिर्फ 1500 लोग थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये 1500 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बाकायदा हलफ किया था कि हम बस 9 शहादत का हक, हम जिंदा वापस शायद नहीं आएंगे, और सारे के सारे वापस जिंदा भी आ गए। अब मुजाहिदीन के कारण हमें पता चलता तो हम 1500 की बजाय 5000 का लश्कर तैयार करते, तो अब सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी होगी। अब मुजाहिदीन के लिए हम एक और हमला कर सकते हैं, हमें और 7 अक्टूबर के तरह का एक और इवेंट, एक और हमला हम करना चाहते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे। और ये पहला मरहला है गजे को, और इस पूरे फिलिस्तीनी इलाके को जो मकबूजा इलाके हैं, जो स्पेन का इलाका है, इससे यहूदियों को भगाया जाए। तो दूसरा मरहला आया, और उस दूसरे मरहले के लिए हमारी और आपकी जरूरत होगी। वो मरहला क्या होगा, जो असल बात है, असल बात है फिलिस्तीन में बैतुल मक़दस की आजादी। जब बैतुल मक़दस की आजादी के लिए इस समाज की जंग का दूसरा मरहला होगा, उस मरहले में आप और हम इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे। मैं समझता हूँ इस वक्त इस बात की जरूरत है। पहली अपील तो मैं मदरसों के, फिर मदरसों के उलमा उलमा और मदरसों के मुहतमीन और इन लोगों से करूंगा कि लोगों को बताओ कि हमारे मदरसों को चंदे देने के बजाय कसम है चंदे दे दो, पूरी चंदा पूरी अपील पूरी चीज पर पूरी ध्यान दे रहे सिवाय इसके तो गजा दे दिया। और मैं आपको बताऊं वहीं की भूख का भूख ना मुकाबला लोगों से नहीं हो सकता, बच्चे भूखे मर रहे हैं, वहां की इस बात की जरूरत है, वहां पे दो चीजों की जरूरत है, असलहे की भी जरूरत है, असलहा वहां पे मिल सकता है लेकिन पैसे नहीं है लोगों के पास, तो ये दोनों पानी खुराक अद्विया इसके लिए भी जरूरत है लोगों को। और सारे के सारे चंदों की कुलत मैं इस देश से पूरी मुसलमान कौम को, पाकिस्तानी कौम को, और उन लोगों को काम में मेरी बात सुन जाए, मैं झूठी निशा के कहता हूं किसी ऐसी अपील पर कान न धरे, उसको सिकंद प्रयाजी पर रखे, पहली प्रयाजी पर वो अपील रखे जो हजर के लिए, जो हजर के मुजाहिदीन के लिए, उनको खाना उनको पानी उनको अद्विया और उनको अस्तेह की भी जरूरत है। अस्तेह वहां को मिल सकता है लेकिन उसको पैसे की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सारी सूरत हाल में आपने ये देखना है कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया किस तरफ जा रही है, हम किस हालत में है, जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया और कुन मुनासिबी सच्चे लोगों का साथ हो, तो सच्चे लोगों का साथ देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि बिल्कुल आखिरी दौर है, ये जंग खत्म नहीं होगी, नहीं होगी, इसके नतीजे में बिल्कुल आखिरी दौर आएगा, आखिरी जंग होगी, ये इशारे खत्म हो जाएंगे। और मैं किसी बुरा नहीं करता, मैं साफ कहता हूं 2 साल से ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा इंशाअल्लाह, नहीं करता यकीन से नहीं कह सकता लेकिन मेरा अनुमान है कि शायद आपको 2 साल से ज्यादा इंतजार ना करना पड़े कि इमाम मेहदी भी आप देखेंगे, और 5 साल से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आप इशारे पर उस काम को भी देखेंगे, और ये बात बिल्कुल
का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।